गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयरिंग आइडियाज विद शिल्पा। आज फिर से हम कहीं एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, नया फूडिंग के लिए कुछ प्लेस। कोई हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं तो हमने सोचा कि नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यहाँ पे काफी सारे प्लेसेस आपको पहले मेरी वीडियोस में बताए भी है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम डिनर करने जा रहे हैं। अच्छा, डिनर करने कहाँ पे जा रहे हैं? नीचे करो हैंड को। कहाँ जा रहे हैं हम? हवेली। हवेली जा रहे हैं। आज हवेली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है तो अब हम वहाँ ट्राई करने जा रहे हैं खाना। तो देखते हैं, लेट्स सी, आई विल गिव यू द रिव्यूज कि कैसा था। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना अगर अच्छा हुआ तो। ये देखिए, हम यहाँ से जो एक मूर्ति चौक से होते हुए निकलते हैं, जो मैंने आपको पिछली बार लास्ट व्लॉग में जो रोज़ा की मार्केट बताई थी वेजिटेबल वाली, वो इस रास्ते में ही पड़ती है हमारे। तो अब हम आगे जाके यहाँ से ग्रीन आर्क सोसाइटी है, ये देखिए हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही 5-10 मिनट्स के डिफरेंस पे है। ये देखिए, उसकी लिफ्ट में भी सारी जगह रेस्टोरेंट के पैम्पलेट्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए थे। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है। और जब हम अंदर गए तो हमने देखा काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी पूरी। ये देख सकते हैं आप, पत्थर तो बहुत खुश हुआ देख के। और पूरी फ्लावर की डेकोरेशन थी काफ़ी अच्छी। और टेबल्स वगैरह भी राजस्थानी लुक दे रही थी। और ऊपर का जो पूरी डेकोरेशन थी, आप देख सकते हैं, पूरी फ्लावर पेटल्स वगैरह की हुई थी। तो काफ़ी अच्छा एरिया था और काफ़ी बड़ा भी था, स्पेशियस था काफ़ी रेस्टोरेंट। और ये था इसका मेन्यू। तो यहाँ पे सब चाइनीज़ वगैरह और मेन कोर्स वगैरह सब था, सब चीज़ अवेलेबल थी। तंदूर वगैरह की भी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात इस रेस्टोरेंट की ये लगी कि ओपन में है, चारों तरफ से इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि ऐसे लग रहा था किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और उस दिन जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। ये देखिए, अथर्व को तो बहुत अच्छा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट। तो हम ऑर्डर अपना दे चुके हैं। सबसे पहले हमने सूप ऑर्डर किया था, हमारा सूप पीने का मन था। हमें टमाटो सूप ही ज़्यादा पसंद है तो हम यूजुअली वही ऑर्डर करते हैं। तो इनका जो ये ब्रेड क्रम्स वगैरह थे काफ़ी अच्छे थे, टेस्टी था काफ़ी। सूप का टेस्ट बहुत अमेजिंग था। बहुत जगह का हमें सूप पसंद नहीं आता है क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं हर कोई। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक शायद दही कबाब भी ऑर्डर करे थे। दही कबाब उन्होंने मसाला अनियन के साथ सर्व करे थे। और ये देखिए, दही कबाब कुछ यहाँ के डिफरेंट थे। यहाँ पे ऊपर कोटिंग की हुई थी, आप देख सकते हैं, कुछ पापड़ की कोटिंग से क्रिस्पी किए हुए थे। एक हमने आलू पराठा भी ऑर्डर करा था प्लेन अथर्व के लिए। और ये देखिए, अब हमने यहाँ पे थाली ऑर्डर करी है। इनकी ये हवेली की स्पेशल थाली थी और क्वांटिटी वॉज अमेजिंग। आप देख सकते कितनी ज़्यादा क्वांटिटी थी और बहुत टेस्टी थाली थी। तीनों ही सब्जियां बहुत अच्छी थी। एक दाल मखनी है और एक कढ़ाई पनीर थी और थर्ड है मिक्स वेज। तो ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा था। और बाद में उन्होंने डेजर्ट भी सर्व करा था हमें, गुलाब जामुन दिए थे छोटे छोटे, तो वो भी काफ़ी टेस्टी थे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और मैंने एक दो रील भी बनाई थी। अगर आपने मेरे चैनल पे गए हो तो आपने वो ज़रूर देखी होगी। मैंने एक छोटी सी क्लिप शेयर करी थी यहाँ के इंटीरियर की। ये देखिए, इंटीरियर कुछ इस तरीके से था। ये जो रेस्टोरेंट है प्रॉपर फैमिली रेस्टोरेंट है और ये पूरा पार्टी हॉल भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं पार्टीज़ वगैरह के भी आते हैं और म्यूज़िक वगैरह भी अवेलेबल है क्योंकि यहाँ बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा यहाँ का। और अब हम जा रहे हैं अपने घर। अब हम डिनर करके आ चुके हैं। डिनर वॉज फैंटेस्टिक, अच्छा था, काफ़ी यमी था और सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी थी। सूप तो हमें बहुत अल्टीमेटली यमी, और थाली भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस लगे इस होटल के। तो मज़ा आया काफ़ी। हमारे तीनों का 500 में ही काम हो गया और काफ़ी टेस्टी खाना खाया हमने आज काफ़ी दिन बाद। करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। होपफुली आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, फैमिली रेस्टोरेंट है और ओपन में है तो बहुत अच्छी हवा वगैरह, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यू कैन ट्राई इट।